जरा सोचिए, जब आप पुलिसकर्मियों को हाथ में डंडा और राइफल नहीं बल्कि फूल की मालाएं लेकर बारातियों के स्वागत में खड़े हुए देख लें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कुछ ऐसा ही हुआ है। चलिए पूरा किस्सा बताते हैं। चंदौली में डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह और उनके साथियों की मदद से एक गरीब लड़की की धूमधाम से शादी कराई गई। यही नहीं, लड़की पक्ष की तरफ से शादी की सभी रस्मों को पुलिसकर्मियों द्वारा निभाया गया। इस शादी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि पुलिस के साथ इसमें आम लोगों ने भी इसमें शिरकत की। कोई दहेज नहीं, ना कोई ही झूठा आडंबर। दरअसल चंदौली सकलडीहा सर्किल में तैनात डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह को पता चला कि गांव की एक लड़की शिखा यादव की शादी गरीबी की वजह से नहीं हो पा रही है। अनिरुद्ध सिंह ने अपने सहयोगियों से बात की और शिखा यादव की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर क्या था, पुलिस वालों ने ही लड़का ढूंढा और उन्होंने ही शादी की सारी जिम्मेदारी निभाई। शिखा यादव की शादी कराने पर अनिरुद्ध सिंह कहते हैं, देखिए बहुत ही गरीब परिवार से हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी जिस चीज के मोहताज थे, तो हमें दुर्गेश के थ्रू हमारे संपर्क में आए थे, तो मैंने ये बीड़ा उठाया कि क्यों ना मैं ही इस बच्ची की शादी करूं। और एक समाज को मैसेज भी देना चाहते थे कि दहेज मुक्त लोग शादी करें, आगे आए, एक अच्छा परिवार मिला है, उसीलिए आज ये हमने शादी कराई है। लड़की के पिता विनोद यादव शादी को लेकर बहुत खुश हैं। वो कहते हैं, और इस शादी से बहुत खुश हैं हम लोग। ये बताइए कि आपने सोचा था कि इतने भव्य तरीके से आपकी बिटिया की शादी हो पाएगी? नहीं सर, कभी नहीं। कैसे हो अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। समाज में ऐसी शादियां दशकों में एक बार होती है। पुलिस वालों द्वारा कराई गई ये शादी न केवल दहेज लेने वालों के लिए सबक है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमेशा पुलिस को एक ही चश्मे से देखने का काम करती है।